INDIA गठबंधन की अहम बैठक आज, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां मुंबई में आज INDIA गठबंधन की तीसरी बैठक होगी, दो दिन चलेगी इंडिया गठबंधन की बैठक, तो 28 दल बैठक में होंगे शामिल। आपको बता दें कि इस बैठक में लोगो और कन्वीनर तय हो सकता है, साथ ही सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो सकती है। पहली बैठक पटना में और दूसरी बैठक बेंगलुरु में संपन्न हुई थी और अभी तीसरी बैठक आज से शुरू होने जा रही है। तो मुंबई में INDIA गठबंधन की तीसरी बैठक शुरू होगी। आपको बता दें कि आज से दो दिन तक ये बैठक चलनी है, जिसमें 28 दल शामिल होंगे। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज INDIA गठबंधन की बैठक होनी है, क्या कुछ खास इस बैठक में रहने वाला है? देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक आज से दो दिन मुंबई में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। शाम 6 बजे के आसपास से गठबंधन की बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी और कई अहम निर्णय जो है इस इंडिया गठबंधन की बैठक में लिए जा सकते हैं, जिसमें इंडिया अलायंस का जो लोगो है वो अनवील होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा इस पूरे गठबंधन का चेयरपर्सन कौन होता हुआ नजर आएगा, इसको लेकर जो है मोहर लगती हुई नजर आ सकती है। और ऐसा माना जा रहा है कि करीब 27 के आसपास दल जो है मुंबई में इस बैठक में शिरकत जो है करते हुए नजर आएंगे। तमाम दिग्गज नेताओं की बात करें वो वहां पर पहुंच चुके हैं, जिसमें ममता बनर्जी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें। ऐसे में 2024 से पहले विपक्ष का ये बड़ा जो है प्लान कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, और जिसकी तीसरी बैठक जो है आज से दो दिवसीय मुंबई में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि इस पूरी गठबंधन का अध्यक्ष कौन होगा, कौन इसको मॉनिटर करेगा, इस नाम पर भी आज जो है मोहर लग सकती है। क्या इसको लेकर के कोई नाम भी सामने आ रहे हैं कि किन किन नामों पर जो है मुख्य तौर पर मोहर लग सकती है? देखिए, इस पूरे अलायंस के कन्वीनर को लेकर जो है अलग अलग चीजें निकल कर सामने आ रही थी। इस जो अलायंस बनेगा उसका एक जो मुख्यालय बनेगा वो दिल्ली में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। अलायंस के जो कन्वीनर है उसके रूप में नीतीश कुमार का नाम पहले निकल कर सामने आ रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने चूंकि मना किया है, तो उसके बाद कई बड़े नेता जो है इस पूरी जो इंडिया अलायंस में विपक्षी पार्टी इकट्ठी हुई है उसमें देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो है सबसे प्रबल दावेदार देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। हालांकि वो मानेंगे या नहीं मानेंगे ये देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और साथ साथ की क्या 2024 में कोई चेहरा लेकर विपक्षी पार्टियां उतरेंगी या फिर इसी तरीके से जो है चलते हुए नजर आएंगी, ये तमाम चीजें जो है आज की इस बैठक में डिस्कशन होता नजर आएगा। कितनी सीटों पर लड़ना है, किस तरीके से लोगों होगा, तो ये तमाम चीजें जो है चर्चा का विषय दो दिवसीय जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर भी देखिए आज की बैठक में चर्चा हो सकती है, और लगातार जिस तरह से इंडिया गठबंधन पर ये आरोप भी लगते आए हैं कि जहां पर सीट शेयर करना होगा या जहां पर सीट्स बांटी होंगी वहां पर कहीं ना कहीं फिर से एक बार जो गठबंधन है उसमें खलल देखने को मिलती है। लेकिन इस बार की जो ये बैठक है उसमें ये भी साफ हो जाएगा कि सीट शेयरिंग का क्या रेशो रहने वाला है, ताकि आगे आने वाले समय में किसी भी तरह की जो तालमेल है वो ना बिगड़े। देखिए, बिल्कुल सीट शेयरिंग में सबसे बड़ी चुनौती जो है इस पूरे इंडिया गठबंधन के सामने जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि तमाम तरीके से अलग अलग जो रीजनल पार्टीज है वो भी इसमें जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। कहा ऐसा जाता है कि जहां पर जो पार्टी मजबूत है उसको वहां पर जो है विकल्प देने की कोशिश होती जो है नजर आएगी, लेकिन किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होता हुआ नजर आ रहा है सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। क्या जो है अलग अलग रीजनल पार्टीज को एक फ्री हैंड दिया जाएगा कि वो अपने राज्य में जो है चुनाव लड़ते हुए नजर आए, इसलिए जो है सीट शेयरिंग सबसे बड़ी चुनौती। और उसके साथ साथ जो अंदरूनी मनमुटाव देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, हम देखते हैं कि इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल होती हुई नजर आती है, जहां पर जो है अलग अलग राज्यों में वो कांग्रेस के सामने खड़ी हुई नजर आती है, चाहे पंजाब की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, इसी तरीके से TMC के साथ बंगाल में जो है विधानसभा चुनाव में आमने सामने कांग्रेस नजर आती है। तो ये सारे मनमुटाव जो है आप पीछे रखकर क्या विपक्ष एकजुटता के साथ में जो है 2024 की तैयारी करता हुआ नजर आएगा? बेशक विपक्ष ये कह रहा हो कि इस इंडिया अलायंस से जो है भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा दबाव देखने को मिलता हुआ नजर आता है, लेकिन
क्या वाकई विपक्ष जो है 2024 तक एकजुट जो है देखने को मिलता नजर आएगा। जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि ये दिन दूल्हे की जो बारात है वो देखने को मिलती नजर आती है, तो ऐसे में चेहरा कौन होगा, किस तरीके से जो है गठबंधन की रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से सीट शेयरिंग फॉर्मूला रहेगा, ये तमाम चीजें जो है अभी इंडिया गठबंधन को तय करनी है। बिल्कुल स्पर्श, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही रहा, इंडिया गठबंधन की आज अहम बैठक होनी है, मुंबई में बैठक आयोजित की जा रही है और ऐसे में कई विपक्षी दलों के दिग्गज इस बैठक में शामिल होंगे।